वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डेटा के बारे में है। कस्टम डिपार्टमेंट किसी भी देश में जो भी सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसको क्लियरेंस देने और उसके सुपरविजन पर अपना काम करता रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंडिया पोस्ट है और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस USPS, ये दोनों आपस में एक एग्रीमेंट अभी कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डेटा के बारे में। अगर कोई भी पोस्टल शिपमेंट USA से इंडिया आ रहा है तो इंडिया में आने के बाद फिर उसमें कस्टम क्लियरेंस में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो अभी ये बात हुई कि अगर कोई पोस्टल शिपमेंट इंडिया आ रहा है तो शिपमेंट के पहुंचने के पहले ही USA उस शिपमेंट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंडिया के कस्टम डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। वो उसे पहले से प्रोसेस कर रखेंगे और जब ये शिपमेंट आएगा तो बहुत आसानी से उसे कस्टम क्लियरेंस बहुत कम समय में मिल जाएगा। ऐसा ही USA इंडिया के साथ भी करेगा। इससे ईज ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ेगा स्मॉल और लार्ज एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस में अब कम समय लगेगा, क्योंकि जो शिपमेंट है, जो पोस्टल आइटम जा रहा है, उसके पहुंचने से पहले ही उसका इलेक्ट्रॉनिक डेटा दूसरे देश में पहुंचा दिया जाएगा। फीचर्स यही होंगे कि हम ट्रांसमिट और रिसीव कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेशनल पोस्टल आइटम्स के लिए, जो कि किसी भी आइटम के फिजिकल अराइवल के पहले ही अवेलेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा, इसके एक्सचेंज की मदद से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आसान होगा। USA टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए। उसमें भी 17% जो एक्सचेंज हमारा पोस्टल चैनल्स में होता है वो USA में ही जाता है, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। काफ़ी लंबे समय से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की डिमांड रही थी कि कस्टम क्लियरेंस में काफ़ी समय लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पहले पहुंचने की वजह से अब आसानी से कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगा, तो सहूलियत हो जाएगी एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए। अगला आर्टिकल हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट के लिए 139 एप्लीकेशन रिसीव किया है, जो कि ये पोस्ट पिछले 2 महीने से खाली चल रही है। इसीलिए CIC इस बार थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार पढ़ लेते हैं। CIC एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसको RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत बनाया गया है। फिलहाल अभी इसके अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और एट मैक्स अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, उनके लिए एक कमिटी का गठन होता है। इस कमिटी के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, साथ ही साथ लोकसभा का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो आता है। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दें। इन तीनों के जो कि रिकमेंडेशन होते हैं उसको प्रेसिडेंट मानता है। उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर उन लोग को CIC के तौर पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। इनका टेन्योर जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, या फिर अगर वो 65 साल की एज पे पहुंच जाते हैं तो भी, उनमें से जो भी पहले हो गया उनका टेन्योर वहीं पर खत्म हो जाएगा। रीअपॉइंट के लिए ये लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। फिलहाल अभी 3 साल का इनका टाइम बताया जा रहा है, तो या तो 3 साल या 65 साल, बट ये चेंज होता रहता है, इसलिए इस पर आपको गौर नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि टेन्योर कौन फिक्स करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है, या फिर 65 साल की उम्र इनकी हो जाए तो उसके बाद ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट पर नहीं रह सकते हैं। प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकता है, लेकिन जो इनके बेसिस, जो इनका ग्राउंड है वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी या दूसरे चार्जेस। लेकिन ये ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट ने बोला और ये मान लिया गया। प्रेसिडेंट को ये पूरा का पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी के बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने जो बोला था वो सही था और वो बोलते हैं कि ठीक है जो प्रेसिडेंट ने बोला है इसके वजह से इनको रिमूव कर देना चाहिए, उस केस में प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। इनका जो बेसिक फंक्शन है, मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है और उसने अपनी कंप्लेन दर्ज की है, लेकिन उसको कुछ निपटारा मिला नहीं, जैसे कि उन्होंने पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के ना होने की वजह से वो जो भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करते थे उसका आंसर उनको नहीं मिला है, तो भी ऐसे ड्यूटी कौन करेगा? CIC करेगा। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगा है और किसी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया देने से, उस केस में भी इनको देखना पड़ेगा।
साथ ही साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उस पर्सन को दे दी गई है जो अपने आप में इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है या फिर झूठी है, उस केस में भी सीआईसी के ऊपर पूरा कार्यभार होता है कि उन केसेस में उस पर्सन को एड्रेस करे। पावर की बात करें तो ये अपने आप में एक सुओ मोटो एक्शन लेने की जब बात आती है कि खुद से लेना है, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा मैटर हो जिसमें इनको लगता है कि ये रीजनेबल ग्राउंड्स हैं और इसमें मुझे इंटरफेयर करना चाहिए तो ये कर सकते हैं। जब भी ये इंक्वायर करते होते हैं तो इनके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है। आर्टिकल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में है। हाल ही में सीवीसी ने ये डिसाइड किया है कि अब के बाद से जो भी विजिलेंस क्लियरेंस प्रपोजल्स उन्हें भेजे जाएंगे वो सब अब ईमेल के थ्रू ही होंगे 1 नवंबर के आगे से। मतलब इसके पहले जो हार्ड कॉपीज के फॉर्मेट में विजिलेंस क्लियरेंस प्रपोजल्स भेजे जाते थे, अब सीवीसी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके मन में सवाल हो सकता है कि ये विजिलेंस क्लियरेंस प्रपोजल क्या होता है। हर ऑफिशियल को समय समय पर एक क्लियरेंस सीवीसी से लेना पड़ता है जिसमें वो अपनी डिटेल्स देते हैं, उनकी जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पूरा ब्यौरा सीवीसी को भेजते हैं एक प्रपोजल के फॉर्म में कि आप इसे क्लियर कर दीजिए। सीवीसी एक बार उसे जब क्लियर कर देती है तब उस व्यक्ति को मान लिया जाता है कि हाँ इस व्यक्ति की सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसे आसानी से अपॉइंट किया जा सकता है किसी फर्दर पोस्ट पर, किसी पैनल में उसे मेंबर बनाया जा सकता है, उसे प्रमोट किया जा सकता है। सीवीसी है क्या? ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जिसे हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयोग भी कहा जाता है। इसका काम ये होता है कि ये इस तरीके से देख रेख करता रहे कि करप्शन को अवॉइड किया जा सके और जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही हो। इसे एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के माध्यम से बनाया गया था 1964 में। इसे बनाए जाने की जो अनुशंसा है, जो रिकमेंडेशन है, वो संथानम कमेटी ने दी थी। हालांकि बाद में 2003 में इसे एक स्टैचुरी स्टेटस दे दिया गया, मतलब इसके लिए एक लॉ बना दिया गया। ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करती है, भारत के राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सीवीसी देखिए किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के तहत नहीं आती। जैसा कि आपको पता है कि इनका काम यह है कि ये करप्शन पर लगाम लगाएं और इसके लिए इन्हें देखरेख करनी पड़ती है। जरूरी है कि ये बॉडी इंडिपेंडेंट हो, लॉजिक से भी समझ में आ जाएगा, और इस तरीके से ये केवल पार्लियामेंट के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन रिपोर्ट ये अपनी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्पोजिशन है उसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और एक दो रेदर अपार्ट फ्रॉम दैट दो विजिलेंस कमिश्नर्स और भी होते हैं। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, लेकिन अपनी मनमर्जी से नहीं कर देते, बल्कि उन्हें इसके लिए रिकमेंड किया जाता है और रिकमेंड करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। वो कमेटी जिस नाम की रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट उन्हें ही सीवीसी के तौर पे अपॉइंट करते हैं। और ये जो कमेटी होती है इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, डेफिनेटली चूंकि सीवीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है तो मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। 2000 प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में। अगर LOP यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर को ही एंट्री दे दी जाएगी। सीवीसी का जो टेन्योर होता है वो या तो 4 साल या 65 साल की उम्र तक होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, जो भी समय पहले पूरा हो जाए। जो पहले पूरा हो जाएगा वहीं पर उनका जो टेन्योर है वो समाप्त मान लिया जाएगा। आर्टिकल डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 65 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंडर में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था। इस सर्वे में डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर का एक डिपार्टमेंट है, उसको 3री रैंक हासिल होती है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में। बात करते हैं ये DGQI आखिरकार है क्या। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस इंडेक्स के लिए जो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है वो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस करता है। ये नीति आयोग के अंदर का एक ऑफिस है। बेसिक बात ये होती है कि जो भी गवर्नमेंट के सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका परफॉर्मेंस इन मिनिस्ट्रीज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का कैसा है। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, उनको ये कितने एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी ऐसे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनके बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जनरेट हो सके और साथ ही साथ एक पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ सके कि भाई सामने वाला डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है,
हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, तो वैसे दूसरी मिनिस्ट्रीज उससे कुछ अच्छी पॉइंट्स को सीख सकेगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी किसी भी मिनिस्ट्रीज के हैं उनको ओवरऑल सभी मिनिस्ट्रीज पर लागू करने की बात भी कर सकता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने की बात कर सकता है। इनके बेनिफिट्स वही होंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज स्कीम्स प्रोग्राम्स हैं और इन सभी पॉलिसी स्कीम प्रोग्राम से गवर्नमेंट जो भी अपना गोल हासिल करना चाहता है उस गोल की तरफ हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये DGQI 6 मेजर थीम पर वर्क करता है। इसमें एक तो है डेटा जनरेशन, कि पहली बात तो आपने लोगों से कितना डेटा कलेक्ट किया है, कितना डेटा जनरेट किया है और वो डेटा का क्वालिटी कितना बढ़िया है, उससे क्या हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और हमने टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा यूज़ किया है इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए और वापस उस डेटा के बेसिस पर पॉलिसीज स्कीम्स और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा एनालाइज कितना बढ़िया से हमने किया है, उसको यूज़ कितने अच्छे से किया है और उसको डिसमिनेट कितने बढ़िया से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी है उन कैपेसिटीज़ की केस स्टडी हमने कितनी बढ़िया से कंडक्ट कर रखी है और हमने साथ ही साथ डेटा को कितना सिक्योर फॉर्म में रखा है, इन सभी पैरामीटर्स पर ये डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स बेस्ड है। साथ ही साथ इन्होंने मिनिस्ट्रीज़ को भी 6 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है, जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक स्ट्रेटजिक, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सोशल, एक इकोनॉमिक और एक साइंटिफिक। अगला आर्टिकल हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को अमेंड करते हुए ये बोला है कि अब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए। ये देखो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये बेसिकली पुराने जमाने के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को रिप्लेस करेंगे। इनका बेसिक मकसद ये होगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम प्लान कर पाएँ, साथ ही साथ कितना खर्चा कर सकते हैं, किस सेक्टर में कर सकते हैं, इस प्लानिंग के लिए ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं। आप यूँ समझो कि ये जो DDC है ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक गवर्नेंस का यूनिट है जिससे हम लोग डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ हर डिस्ट्रिक्ट से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी रूरल एरियाज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 14 लोग हर डिस्ट्रिक्ट से आएंगे। इनके अलावा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज चेयरपर्सन्स रहेंगे। साथ ही साथ सभी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट के पर्संस भी रहेंगे। टर्म की बात करते हैं तो यहाँ DDC का टर्म जो है वो 5 साल तक के लिए है। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन के लिए रिजर्वेशन की भी बात की गई है। यहाँ पर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं या फिर एडिशनल DC जिसको हम बोलते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएंगे DDC के। यहाँ पर जो पूरा काउंसिल है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसको बोला गया है कि भाई 1 साल में आप कम से कम 4 बार तो मिल ही लो, मतलब क्वार्टरली आप 4 बार मिल लो, एक एक बार हर क्वार्टर में एक बार तो एटलीस्ट मिलो। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ये जो DDC के इतने मेंबर्स हैं वो 14 हर डिस्ट्रिक्ट से आएंगे, इन लोग को इलेक्ट कौन करेगा? तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, जो भी यूनियन टेरिटरी के वोटर्स होते हैं ना वो इनको डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। हमारा अगला आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन किया है इलेक्शन में कैंडिडेट्स की एक्सपेंडिचर लिमिट को इन्हेंस करने को लेकर, उसके बारे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी इस कमेटी का गठन किया है। बैकग्राउंड ये है कि कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा सेटअप किया गया है। अभी एक अमेंडमेंट नोटिफाई किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि रूल जो 90 है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 का, उसमें हम अमेंडमेंट करके जो एक्सपेंडिचर है एक कैंडिडेट का इलेक्शंस में उसे 10% बढ़ा देंगे, ऐसी बात चल रही थी। इसके बैकग्राउंड में जो रीज़न था वो COVID-19 पेंडेमिक की सिचुएशन है। कैंडिडेट्स का ये कहना है कि चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो करना है, इसके अलावा पेंडेमिक के आने के बाद कुछ और एक्सपेंडिचर कैंडिडेट्स के सामने आ रहे हैं लोगों तक पहुंचने में, इसीलिए उन्हें अब ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए जो एक्सपेंडिचर की लिमिट है उसे इन्हेंस किया जाए। तो जो कमेटी है उसका गठन किया जा चुका है, जिसके जो चेयरपर्सन होंगे वो हरीश कुमार जी होंगे जो कि एक्स IRS हैं, उमेश सिन्हा होंगे जो कि इस कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी के कुछ टर्म्स एंड रेफरेंसेस होते हैं, हर कमेटी के होते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपना काम किया करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्टर्स की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे उनकी ये भी मांग थी कि नंबर ऑफ इलेक्टर्स बढ़ गए हैं, मतलब उन तक पहुंचने के लिए खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन एक्सपेंडिचर लिमिट अभी भी वही है, लोगों की संख्या बढ़ गई है।
तो कितनी जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं वो बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स में ये भी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डिमांड रहती है कि महंगाई तो बढ़ गई है, हमें कई सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन एक्सपेंडिचर लिमिट अभी भी वही की वही है। तो ये चीज़ भी एसेस करना इस कमेटी का काम होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो और जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कुछ व्यूज़ और इनपुट्स ये कमेटी गैदर करेगी इस बारे में, और बाकी के जो अदर फैक्टर्स हैं जो इस बात को अश्योर करने की कोशिश करवाते हैं कि एक्सपेंडिचर लिमिट को बढ़ना चाहिए, उसे भी ये इवैल्यूएशन में रखेंगे। एक्सपेंडिचर लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो हर कैंडिडेट के ऊपर ये एक्सपेंडिचर लिमिट होती है, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ओवरऑल ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो असेंबली इलेक्शंस में 20 लाख से 28 लाख के बीच है। 20 लाख की जो लिमिट है वो छोटे स्टेट्स और यूटीज़ के लिए है। छोटे स्टेट मतलब अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और यूटीज़ के लिए है। यूटीज़ में दिल्ली नहीं आता, दिल्ली को 28 लाख के एम्बिट में रखा गया है। बड़े स्टेट्स और यूटी में दिल्ली 28 लाख की लिमिट पर आते हैं। जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उनमें ये लिमिट 54 लाख टू 70 लाख है। वही छोटे स्टेट्स और यूटीज़ के लिए 54 लाख एक्सक्लूडिंग दिल्ली, बड़े स्टेट्स और दिल्ली के लिए 70 लाख की लिमिट है। इसके पहले जो रिविज़न हुआ था वो 2014 में हुआ था, यानी कि 6 सालों से कोई रिविज़न नहीं हुआ है। हालांकि 2018 में जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना में डिविज़न हुआ था तब ये उनके लिए रिविज़न कर दिया गया था। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि जो खर्चा है वो बढ़ गया है और इलेक्टोरेट की संख्या भी बढ़ गई है, तो ये जो लिमिट है एक्सपेंडिचर की वो भी बढ़नी चाहिए। इसी उद्देश्य से इस कमेटी का गठन किया गया है। आर्टिकल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के बारे में है। डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर जिस जेपीसी का गठन किया गया था उन्होंने अभी ट्विटर पर एक एक्शन लेते हुए उन्हें एक एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा, जिस एफिडेविट में उन्हें ये एक्सप्लेन करना होगा कि उन्होंने इंडिया के लद्दाख के हिस्से को अपनी लोकेशन में चाइना में कैसे दिखा दिया। ट्विटर एक अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूएस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। बात करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। देखिए पार्लियामेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी भी होते हैं। कई बार कुछ ऐसे बिल्स उनके सामने आ जाते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं या फिर बहुत डिटेल्ड एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है, बहुत विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया जाता है। वैसे कई सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं जो ऐसे पार्टिकुलर इश्यूज़ को या फिर बिल्स वगैरह को एग्जामिन करते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जिन पर सर्वसम्मति को भी बनाया जाना ज़रूरी होता है कि सभी लोग इस बिल पर एकमत हो जाएं, सहमत हो जाएं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन भी करना है एट द सेम टाइम सर्वसम्मति भी लानी है, तो फिर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया जाता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ज्वाइंट का क्या मतलब है? ज्वाइंट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर्स होते हैं। वैसे तो मेंबर्स की संख्या क्या होगी ये निर्धारित नहीं होती, फिर भी सामान्यतया ऐसा देखा गया है कि जितने मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं लोकसभा के मेंबर्स की संख्या उनसे दुगनी ही होती है। एट द सेम टाइम ये पार्लियामेंट्री कमेटी कोई परमानेंट कमेटी नहीं होती, रैदर ये एक प्रकार की एडहॉक बॉडी होती है। एडहॉक बॉडी का मतलब टेम्परेरी बॉडी से है, मतलब इन्हें एक पार्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है। जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो इस कमेटी को समाप्त कर दिया जाता है। इसे देखिए यहां पर बिल्कुल साफ किया गया है कि एक स्पेसिफिक इशू पर बनाया जाता है। जेपीसी को बनाने के लिए किसी भी हाउस में एक मोशन, एक प्रस्ताव पास किया जाता है जिस प्रस्ताव को दूसरे हाउस को भी सपोर्ट करना होगा क्योंकि दोनों ही हाउस से मेंबर्स यहां पर आएंगे। कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे ये तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। मेंबर्स के जो नंबर हैं वो अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटी में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बात मैंने आपको बताई कि लोकसभा के नंबर्स ऑब्वियसली या नॉर्मली राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के दुगने होते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि ये सारा जो मुद्दा है उसे अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, एग्जामिन करें। इसके लिए वो किसी भी अथॉरिटी से, इंडिविजुअल से कोई भी एविडेंस रिटन या ओरल फॉर्म में मांग सकते हैं। कमेटी की जो रिपोर्ट होती है उसे यूजुअली कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, एक्सेप्ट अगर वो मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है तो। पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है तो फिर लोगों को जानने का हक है, बता दिया जाता है। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इस जेपीसी में निकल के आने वाला है जिससे जो हमारी सेफ्टी है या फिर इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो खतरे में पड़ सकता है, तो उस डॉक्यूमेंट को होल्ड किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। स्पीकर फाइनल वर्ड देते हैं अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है एविडेंसेस को लेकर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को समन किया गया है वो किसी भी पार्टी को बोल सकते हैं इंक्वायरी में कि यहां पर आइए
इस सवाल का जवाब दीजिए या फिर ये एविडेंस आप लेकर आइए। अगर वो पार्टी या इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल ऐसा करने से मना करता है तो इसे जो पार्लियामेंट है उसकी अवमानना मानी जाती है और इसके लिए पनिश भी किया जा सकता है। जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में सौंप देती है और उसके बाद इस कमेटी को समाप्त कर दिया जाता है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अगला आर्टिकल हमारा जजमेंट ऑन राइट टू प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है किसी भी लॉ के अगेंस्ट तो वो ऐसा कर सकता है, हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन उसको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जैसे कि पब्लिक में आने वाले जो भी रास्ते हैं वहाँ पर ऐसा जमघट नहीं लगाना है, जमावड़ा नहीं लगाना है, जो भी पब्लिक स्पेस है वहाँ पर भी आपको इकट्ठा नहीं होना है। अब इसमें देखो बात ये आती है कि ये जो जजमेंट ये किया गया है, यहाँ पर हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। ये जो राइट ऑफ फ्री स्पीच है किसी भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, वो हमारे लिए ट्रेजरी है, इसको बचा के रखना चाहिए, इसको इनकरेज करना चाहिए, इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज करने चाहिए। और ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम इम्पोज कर रहे हैं वो हमारे ग्रेटर गुड के लिए होगा, मतलब कि हमारे कंट्री की सोवेरेनिटी नहीं हर्ट होनी चाहिए, हमारे कंट्री की इंटीग्रिटी या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ पुलिस रेगुलेशन भी सही तरीके से काम कर सके। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ आती है, एक तो होते हैं प्रोटेस्टर जो कि किसी लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरे होते हैं कम्यूटर जो कि अपने रोज़मर्रा के काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर कम्यूट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्टर अगर ऐसे रास्तों में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये कम्यूटर्स के कम्युनिकेशन के ऊपर हनन नहीं है? आखिर इनके पास भी तो फंडामेंटल राइट है कि ये अपनी स्वेच्छा से जहां जाना चाहें वहां पर अपने काम के लिए जा सकते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की भी बात आई है कि हम इनको एक तो सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी इनके साथ होना चाहिए। इसमें ये भी हाईलाइट किया गया कि जो भी स्टेट और यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पब्लिक स्पेस में ऐसे प्रोटेस्टर्स इनक्रोच ना कर लें, और इनको अगर ऐसा दिखता है कि ये लोग इनक्रोच कर रहे हैं तो ये किसी कोर्ट के ऑर्डर का वेट ना करें, ये अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ इस वर्डिक्ट में टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को बताया गया कि कैसे सोशल मूवमेंट में टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट दे रहा है, उसके मेरिट और डीमेरिट के ऊपर भी चर्चा की गई थी। अगला आर्टिकल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन को इनॉग्रेट किया। इस कॉन्फ्रेंस को CBI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। उद्देश्य यह है कि लोगों को अवेयर किया जाए ताकि लोग प्रॉबिटी को इंश्योर करें पब्लिक लाइफ में, करप्शन को कम किया जा सके। थीम थी विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया। CBI एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है इंडिया के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के तहत काम करती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनाई गई थी और उसी के तहत गवर्न भी होती है। तो हमारा अगला आर्टिकल है वो एक ऑर्डर के बारे में है। इस ऑर्डर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी इंट्रोड्यूस किया है और इस ऑर्डर का टाइटल है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020। ये ऑर्डर वहां के लैंड लॉज से संबंधित है। एक्चुअली में वहां के 11 लैंड लॉज को अभी स्क्रैप कर दिया गया है, सेंट्रल लॉज को वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में इसके पहले तक लैंड परचेज करने के लिए वहां का रेसिडेंट होना, परमानेंट रेसिडेंट होना जरूरी था। जो वहां का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है वो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड परचेज नहीं कर सकता। ये जो कंपल्शन था इसे अभी इस ऑर्डर के इंप्लीमेंटेशन के बाद हटा दिया गया है, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में अब कोई भी नॉन रेसिडेंट भी जाकर लैंड परचेज कर सकता है। इसका फायदा ये होगा कि वेरियस इंडस्ट्रीज अब वहां पर जाकर अपने जो आउटलेट्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज की विंग्स हैं उसे खोल पाएंगी, जिससे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने का मौका रहेगा। जो टर्म परमानेंट रेसिडेंट पहले हुआ करता था इन लैंड लॉज में कंपल्शन के तौर पर, उसे अब रिमूव कर दिया गया है। अब डोमिसाइल या परमानेंट रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर वहां पर लैंड को परचेज करना है तो। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इससे स्पीडअप मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है। इस तरह से अब अर्बन और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइडर्स को भी बेचा जा सकेगा वहां के लोगों के द्वारा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एग्रीकल्चरल लैंड को नहीं बेचा जा सकता क्योंकि उससे
तो बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, और एग्रीकल्चरल लैंड को अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो फिर लोगों की आजीविका भी दिक्कत में पड़ सकती है। इसीलिए इस चीज को अलग रखा गया है ताकि ये चीज सिक्योर रहे। रेरा को वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया गया है, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो कि रियल स्टेट की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। अब जम्मू कश्मीर में इसे नोटिफाई कर दिया गया, वहां पर रियल स्टेट को इससे बूस्ट मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसे अभी वहां पर एस्टैब्लिश किया गया है ताकि ये एक्वायर कर सके, प्रमोट कर सके और सेल कर सके लैंड को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए। इंडस्ट्रीज वहां पर जाएंगी तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी ना, तभी तो वहां पर जो कंपनीज की विंग्स हैं वो स्टार्ट होंगी या नई कंपनी स्टार्ट होंगी, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके लिए जरूरी है कि लैंड उन्हें मिले। जो स्ट्रेटजिक एरिया है वहां पर लैंड के लिए कुछ सेफगार्ड्स रखे गए हैं। कोई भी आर्मी ऑफिसर जिसकी रैंक कॉप कमांडर के ऊपर हो वो किसी एरिया को स्ट्रेटजिक एरिया डिक्लेयर कर सकता है जहां पर डायरेक्ट ऑपरेशन या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में भी कुछ प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीकल्चरल लैंड पर अब अलाउ कर दिया गया है। एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर काफी सेंसिटिव है गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर में भी। वहां पर किसी को बेचा नहीं जा सकता, गिफ्ट नहीं दिया जा सकता, एक्सचेंज नहीं किया जा सकता इस लैंड को किसी भी पर्सन के फेवर में जो एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं है। जो एग्रीकल्चर करता है उसको तो दिया जा सकता है, हालांकि सरकार सर्टेन कंडीशंस में अलाउ कर सकती है। अगर हेल्थ केयर के प्रमोशन के पर्पज से कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहा है या फिर सेकेंडरी और हायर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए जम्मू कश्मीर में कुछ किया जा रहा है, मतलब हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट अलाउ करेगी, नहीं तो फिर अलाउ नहीं करेगी। मतलब सरकार इस एरिया में तो सेंसिटिव है। सीबीआई को जो जनरल कंसेंट दी जाती है स्टेट्स के द्वारा, उसके विड्रॉल से संबंधित है। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि सीबीआई को स्टेट में प्रोब करने के लिए, यानी कि केसेस चलाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो जनरल कंसेंट अभी तक महाराष्ट्र ने दी हुई थी वो उसे विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने भी सीबीआई को दी गई जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था। ये बात लगभग एक साल पहले की है, और अब ये न्यूज़ आई है कि महाराष्ट्र ने भी जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब सामान्य भाषा में तो सहमति होता है, यानी कि वो राज्य सहमत है कि आप आकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। देखिए, सीबीआई जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के तहत गवर्न होता है, यानी कि उसी के तहत कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि अगर सीबीआई को किसी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी है या कार्यवाही करनी है तो उन्हें उस स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी होगी, उनकी सहमति आवश्यक होगी, तभी जाके वहाँ पर वो कोई प्रोब चला सकते हैं। अब जो कंसेंट होती है सीबीआई के लिए वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है केस स्पेसिफिक कंसेंट और दूसरी होती है जनरल कंसेंट। यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू जनरल कंसेंट, यानी कि हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इस दूसरे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बट केस स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब क्या है हम वो भी समझ लेते हैं। केस स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब ये होता है कि जो सीबीआई है इन जनरल, जो उनका जुरिसडिक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज के ऊपर ही होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई इन्वॉल्व है या फिर उस पार्टिकुलर स्टेट में कोई वायलेंट क्राइम हुआ है, सीबीआई उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, ऐसी स्थिति में उस केस स्पेसिफिक इशू पर उन्हें उस राज्य सरकार की संस्तुति, कंसेंट या सहमति लेनी होगी। मतलब केस टू केस उन्हें वहां पर अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अब चूंकि देखिए जो सीबीआई है वो इन जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज पर कार्रवाई कर सकता है या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन अगर वो जो एम्प्लॉई है वो किसी स्टेट में एम्प्लॉयड है, ऐसी कंडीशन में सीबीआई को उस स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तो वहां पर भी उस राज्य की अनुमति आवश्यक होगी। लेकिन चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो ऑथोराइज्ड हैं, उनका जुरिसडिक्शन है इन्वेस्टिगेशन का, इसीलिए राज्य उसमें ज़्यादा तामझाम करते नहीं हैं, रैदर वो एक जनरल कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है आपका तो जुरिसडिक्शन ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट में, तो अगर वो हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं तो आपको जब मर्जी आइए, इन्वेस्टिगेशन करिए, पता करिए, हमें कोई टेंशन नहीं है। ये होती है जनरल कंसेंट जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के ऊपर अपने स्टेट में भी नॉर्मली देकर रखते हैं। मोर अनलेस ज़्यादातर स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए अपने खुद के स्टेट में भी सीबीआई को जनरल कंसेंट देकर रखते हैं ताकि सीबीआई को पैन इंडिया लेवल पे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर कोई स्टेट इस जनरल कंसेंट से विड्रॉ कर लेता है, बाहर निकल जाता है, इसका मतलब ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एम्प्लॉई अगर राज्य में एम्प्लॉयड है तो वहां पर भी अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी है
तो नए केसेस के लिए उन्हें उस स्टेट की अब कंसेंट लेनी पड़ेगी, बिना कंसेंट के वो जाके इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे। यहां पर देखिए सीबीआई अब फ्रेश केस रजिस्टर नहीं कर पाएगी अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करने के पहले जो केस उन्होंने रजिस्टर कर लिया था वो उस पर काम करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई ऐसा केस है जो किसी, सपोज करिए कि स्टेट ए ने जो जनरल कंसेंट है उससे खुद को विड्रॉ कर लिया, स्टेट बी का कोई केस है जिसने जनरल कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया है और सीबीआई यहां के केस को प्रूव कर रही है, लेकिन इस केस में इन्वॉल्व एक इंडिविजुअल स्टेट ए में रहता है, तो सीबीआई के पास अधिकार होगा कि वो जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर वो केस स्टेट बी से एसोसिएटेड है। तो सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के तहत काम करती है। इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत 1946 में बनाया गया। ये जो इंटरपोल मेंबर कंट्रीज हैं, इंटरपोल एक इंटरनेशनल लेवल का पुलिसिंग एजेंसी है, उनकी जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ सीबीआई कोऑर्डिनेट भी करती है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।